अब हम आए हैं अब्दुल्ला को लेने के लिए। आज अब्दुल्ला का सेकंड लास्ट पेपर था, एक पेपर रह गया है। आ गए अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के पैर में चोट लग गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो अब्दुल्ला को मैंने पिक कर लिया। अब्दुल्ला, पेपर कैसा हुआ आपका? अब कितने पेपर रह गए अब्दुल्ला के? एक। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त। तो अब्दुल्ला को अभी आज़ादी मिलने वाली है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं नादरा, क्योंकि मेरा NIC मिसिंग है। तो अब यकीनन मुझे दूसरा बनवाना है। तो देखते हैं क्या प्रोसीजर है और आपको साथ लेके चलते हैं। फाइनली आ चुके हैं। आपको नंबर दिखाया है मैंने, 9402 है मेरा। और काफ़ी क्विकली यहाँ पे सर्विस है, मुसलसल कॉल हो रहा है नंबर। बहुत सारे काउंटर्स हैं, आई थिंक 10-12 काउंटर्स तो होंगे यहाँ पे। और बहुत तेज़ी से अभी तक तो लग रहा है कि इंशाल्लाह तेज़ी से काम हो जाएगा। इस वाले काउंटर में जाएंगे क्योंकि ये जल्दी होगा। अब कॉल होगा ना तो पता चलेगा। अच्छा अब्दुल्ला, पेपर कैसा हो गया आपका? बहुत अच्छा। सारे सवाल किए? सिर्फ दो सवाल। अच्छा, कितने मार्क्स आ जाएंगे? मेरे आ जाएंगे 77। अच्छा चल, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, बस काफ़ी है। अब फाइनली हमारा नंबर भी आने वाला है। 9400 आ चुका है, काउंटर नंबर 31 पे गया हुआ है। और अभी बस हमारा भी आने ही वाला है। नाइन फोर ज़ीरो वन हो चुका है, अब इसके बाद हमारा नंबर आएगा। फाइनली आ चुके हैं और नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हमें, हमें हमारा टोकन मिला, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा नाम नंबर कॉल हो गया। उसके बाद हम गए, उन्होंने पिक्चर वगैरह ली, कोई उन्होंने जिरा नहीं की, कुछ नहीं। जब उनको बताया कि हमें शनाख्ती कार्ड बनवाना है, मिसप्लेस हो गया है, तो बस फौरन उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना अर्जेंट बेसिस पे शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं तो उसके प्राइस हैं 1100, जो कि आपको 20 डेज़ में मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल में बनवाते हैं तो 40 डेज़ में मिलेगा और उसके प्राइस हैं 400 रुपीज़। तो मुझे कोई ऐसा कोई मसला नहीं था, तो मैंने अपना नॉर्मल वाला बनवाया है, जो कि मुझे वो कह रही हैं कि 40 डेज से पहले ही इंशाल्लाह इशू हो जाएगा। अब्दुल्ला, फाइनली हम लोग आ गए हैं अभी ज़रा लकी वन। और कैसा हमने लंबा स्विच मारा। पहले हम नादरा में थे, नादरा से बस निकले, उसके बाद फिर यमुना की सभी आ गई, उसके बाद किस यमुना की क्लास थी तो हम तीनों ही आ गए, यमुना को ड्रॉप किया है। और फिर हम लकी वन आ गए हैं,
किसा अभी अपनी क्लास ले रही हैं, अब्दुल्ला और मैं ज़रा सा बस ऐसे ही घूमे फिरेंगे और अभी हम तफसील से आपको बताएंगे कि हुआ क्या है। बहुत मज़े का वाक्य, हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ये परेशानी वाला भी है, काफ़ी सस्पेंस वाला भी है। तो हम आगे भी बाद में आपको, अभी जब ऊपर जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या है, तो ऊपर ज़बरदस्त इंटरवुड का आउटलेट यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर आपको फर्नीचर और सारी डेकोरेशन सारी चीज़ें मिलेंगी। डॉलर हो गया है 210 का भाई, जो हमने ब्लॉग बनाया था वो 170 वाला था डॉलर। और चीज़ें भी आ गई हैं यहाँ पे, और व्यूअर्स हमारा $1 शॉप के 2 ब्लॉग्स हैं, एक लकी वन मॉल का और एक 5-स्टार चौरंगी वाला। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। अभी इससे भी ऊपर जाना है, एक और फ्लोर पे जाना है। बच्चा पार्टी का भी ब्लॉग हम बना चुके हैं, अगर वो भी अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसका भी हम लिंक शेयर कर देंगे। ये आउटलेट है मौलाना तारिक जमील का, MTJ, ये भी है सेकंड फ्लोर पे। हम लोग फाइनली लकी वन से आ गए हैं और हम लोगों ने युवा को भी पिक कर लिया है, तो अभी हम घर जा रहे हैं।